हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी। अंतरिक्ष संचार प्रणाली को बेहतर बनाएगा नासा। नासा के वैज्ञानिक अंतरिक्ष यानों और पृथ्वी के बीच बढ़ते संचार को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की योजना बना रहे हैं। अभी नासा के अंतरिक्ष यान पृथ्वी से संचार संपर्क के लिए मानव नियंत्रित रेडियो सिस्टम पर निर्भर रहते हैं। रिसर्चरों का कहना है कि यदि अंतरिक्ष संचार नेटवर्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सम्मिलित कर लिया जाए तो संचार की मांग को पूरा करने के अलावा उसकी कार्यकुशलता को भी बढ़ाया जा सकता है। नासा के ग्लेन रिसर्च सेंटर की वैज्ञानिक जेनेट ब्रायोनेस का कहना है कि वैज्ञानिक और खोजी मिशनों के लिए आधुनिक अंतरिक्ष संचार सिस्टमों में जटिल सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। यदि इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाए तो अंतरिक्ष यान इन सिस्टमों को ज्यादा बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। उन्हें निर्देशों की प्रतीक्षा किए बगैर उसी समय निर्णय लेने में आसानी होगी। संचार के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विशिष्ट हिस्सों का इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसे चैनलों की संख्या सीमित है। इससे बढ़ते हुए संचार के युग में व्यवधान पैदा हो सकता है। सॉफ्टवेयर से युक्त रेडियो नेटवर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कम इस्तेमाल किए गए हिस्सों का प्रयोग करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं और इसके लिए मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे रेडियो नेटवर्क को कॉग्निटिव रेडियो भी कहा जाता है। स्पेक्ट्रम की खाली जगहों का इस समय कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन ये लाइसेंस प्राप्त हिस्से हैं। एक कॉग्निटिव रेडियो उस फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कर सकता है जिसका इस्तेमाल प्राथमिक प्रयोगकर्ता ने नहीं किया है। कॉग्निटिव रेडियो स्पेक्ट्रम में जगह की उपलब्धता के आधार पर जगहों का बदल बदल कर इस्तेमाल कर सकता है। ब्रायोनेस ने बताया कि कॉग्निटिव रेडियो टेक्नोलॉजी में हाल में हुई नई प्रगति से संचार प्रणालियों को नया बल मिला है। नासा को अंतरिक्ष के माहौल में कुछ अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें अंतरिक्ष का मौसम, सूर्य तथा दूसरे खगोलीय पिंडों द्वारा छोड़े जाने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शामिल है।